हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों बाद मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ। ऐसे मैं साइकिलिंग करता रहता हूँ, लेकिन बहुत दिनों बाद आज मैं पहाड़ी रास्ते पे साइकिलिंग कर रहा हूँ। मेरे साथ है शुभम और उसके दोस्त, और हम लोगों को जाना है रोंगटोंग। अभी हम लोग शुक्र रोड पे हैं, और शुक्र रोड होते ही हम लोग अभी रोंगटोंग के तरफ जा रहे हैं। पहाड़ी रास्तों पे साइकिलिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि रास्ता धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है। ऐसे हम लोगों के पास गियर साइकिल है, लेकिन फिर भी मेहनत तो करना ही पड़ता है। रास्तों के दोनों तरफ जंगल है, और बीच रोड में से हम लोग जा रहे हैं, तो इसका फीलिंग कुछ अलग से आता है। अगर आप लोग भी रोंगटोंग जाना चाहते हैं, तो फिर आप लोग सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग मोड़ और दार्जिलिंग मोड़ से सुकना होते हुए रोंगटोंग जा सकते हैं, या फिर आप लोग टॉय ट्रेन में भी यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे टॉय ट्रेन का रोड बना हुआ है, आप लोग चाहे तो टॉय ट्रेन से रोंगटोंग, काशियांग, दार्जिलिंग ये सब जगह घूम सकते हैं। सुकना पे टॉय ट्रेन का स्टेशन है, यहाँ से आप लोग जा सकते हैं। अगर आप लोगों को झरना देखना अच्छा लगता है, तो फिर आप लोग ज़रूर बारिश के सीजन में आया कीजिएगा, क्योंकि इस टाइम में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे झरना देखने को मिलता है। और अभी यहाँ पे बहुत सारे झरना आप लोगों को मैं आगे दिखाऊंगा। अभी हम लोग रोंगटोंग के पास ही है, और यहाँ पे बहुत सारे झरना है। अभी हम लोग रोंगटोंग पहुंच चुके हैं, और आगे हमें जाना है तीन धारिया। यहाँ पे बहुत सारे झरना है, और हम लोगों ने बहुत सारे झरना देखा। सारे झरने का शूट हम लोगों ने किया नहीं, लेकिन कम से कम हम लोगों ने 50 नहीं तो 20-30 झरना तो देखा ही होगा।
तो पावर ब्रेक सामने दो रोड है, एक ऊपर की तरफ गया है और एक नीचे की तरफ। हमें ऊपर वाले रोड से जाना है। वो पूरे बंदे खाना रहे, लाल बटन दाते रहे खाना। बाप रे बाप, कितना ऊंचा है। ऊपर बहुत से अच्छे अच्छे सीन्स थे, लेकिन हम लोग बहुत थक चुके थे इसलिए हम लोग शूट नहीं कर पाए। कुछ कुछ फोटोज हम लोगों ने लिया। सामने मंदिर का गेट जैसा दिखाई पड़ रहा है और उसके नीचे सीढ़ी है जो कि नीचे जा चुका है। दूर पहाड़ में छोटा छोटा घर दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। हो गया हो गया। ऐसे ऐसे खींचो, चल चल दूर करके ले जाना। ना हमटा ये बा, हो गया हो गया। तेरा बहुत रहा और बा ये लाइक। हमें कुछ देर तक और यहाँ पे रुकना था लेकिन अंधेरा हो रहा है, हम लोग को घर भी पहुँचना है और रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ है और हमें अब नीचे की तरफ जाना है। तो पहाड़ी रास्ता है तो अंधेरे होने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा, तो नहीं तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा देर और रुकते। पर अभी हमें जाना पड़ेगा। सबका फोटो मेरे मोबाइल में साले एक पीस में 10-10 फोटो है सबका। चलो चलो लेट लग रहा है, धीरे धीरे मार, धीरे 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 एकदम धीरे धीरे चला क्योंकि स्किड खाएगा अभी। धीरे धीरे, रास्ता बहुत ही खतरनाक और डेंजरस है, हमें यहाँ पे संभल के उतरना पड़ेगा। अरे तो मरना है क्या, आराम से। आराम से आराम से, होले 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 होले, एकदम कूल डाउन कूल डाउन। होले पीछे छूट गया। सेफली हम लोग नीचे उतर चुके हैं। सामने एक छोटा सा नदी है जिससे हमें पार करना है। ऐसे ही नदी नहीं था, बारिश की वजह से झरना का पानी नदी जैसे बन चुका है अभी। नदी पार करना आसानी था लेकिन सामने जो खाई था उसकी वजह से थोड़ा सा डर लग रहा था हम लोगों को। अभी अभी
अभी अभी हम लोगों ने रोहिणी गेट क्रॉस किया और हम लोग अभी माटीगढ़ होके हम लोग अपने घर में जाएंगे।